दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। खबर है कि जल्द बढ़ सकता है करोड़ों कर्मचारियों का पेंशन। सरकार ने ईपीएफओ को दिया आदेश। तो दोस्तों इस खबर को विस्तार से जानने से पहले सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं खबर के बारे में। दोस्तों ज़्यादा पेंशन क्लेम करने के लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के ज्वाइंट ऑप्शन को पेश करने की सुप्रीम कोर्ट की 4 मार्च की डेडलाइन समाप्त हो रही है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ को एक लेटर भेजकर इसे जल्द पूरा करने को कहा है, ताकि जो लोग हाई सैलरी के बेस पर ज़्यादा पेंशन क्लेम करना चाहते हैं वे इस ऑप्शन का बेनिफिट ले सकें। मंत्रालय ने ईपीएफओ से 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर होने वाले और मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस के सदस्यों के लिए ज्वाइंट ऑप्शन जमा करने के प्रोसेस को भी स्पष्ट करने को कहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार श्रम मंत्रालय ने पत्र पिछले सप्ताह भेजा था। अधिकारी के अनुसार हम उम्मीद करते हैं कि ईपीएफओ इस सप्ताह में प्रक्रियाओं के साथ एक सर्कुलर जारी करेगा। मंत्रालय ने ईपीएफओ से 1 सितंबर 2014 से पहले और बाद में रिटायर होने वाले और मौजूदा ईपीएस सब्सक्राइबर के लिए प्रोसेस के बारे में भी स्पष्ट करने को कहा है। यानी कि ईपीएफओ इसी सप्ताह एक सर्कुलर जारी कर सकता है जिससे कि कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। तो दोस्तों ये थी खबर। आपको यदि खबर ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा।